सागर जिला के नयानगर समिति थाना उपार्जन केंद्र कौरजामर उपमंडी परिसर में संचालित है, जहां पर प्रशासन द्वारा तय राशि 1940 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। SMS प्राप्त होने पर उपार्जन केंद्र पर किसान अपनी धान तुलाई करवाने के लिए उपस्थित होते हैं। साथ ही धान तुलाई करवाने के एक सप्ताह के अंदर किसान के खाते में राशि जमा की जाती है। नयानगर धान उपार्जन केंद्र संचालक विनोद जैन एवं किसानों ने बताया कि कुछ किसानों की धान का कलर लाल पीला होने पर सर्वेयर द्वारा डिसकलर मानक के तौर पर रिजेक्ट किया जा रहा, जिससे कुछ किसान परेशान हो रहे हैं। इसलिए शासन से किसानों ने मांग की है कि इस प्रकार की धान की खरीदी भी की जाए। विनोद कुमार जैन, नयानगर समिति का केंद्र है। 1450 क्विंटल, 40 किसानों की किसान के कूप में मैसेज दिया जाता है, उसके बाद तुलाई होती है जी। मैसेज के जी जी भुगतान किसान का माल जमा होने के बाद ही होता है। कितने दिन बाद जमा हो जाती है राशि? 7 दिना को है, वो तो जमा हो गए, 7 दिना के अंदर राशि किसान के खाते में जाने। प्रति क्विंटल किसान की कितनी राशि तय की गई? 1940 रुपया प्रति क्विंटल। और किसान के लिए केंद्र पर क्या क्या व्यवस्थाएं सब है? लैट्रिन बाथरूम चाय जी। ये किसान को कितना समय लगता है तुलाई? समय एक दो घंटा में फ्री हो जाते। काहे जाकर जा जो बीज है अनंदा को जी। ये में पटेल 85 आते हैं, 2-3 प्रकार के बीज आते हैं। अनंदा को बीज थोड़ो लालपन को रहते हैं और जा तो वैसे बीज के हिसाब की है। जो अपन 30 किलो की बोरी पैकिंग की लेते हैं, 25 किलो की, तो वो में भी बीज में जब अपन ने जबलपुर से हमने लाई थी तो ऐसा ही कलर आओ तो जो कलर, तो जबकि दानों कोई नहीं है, दाने में पूरे में चावल है सफ़ेद। हाँ, हमारा उत्तम सिंह ठाकुर जी। हाँ जी, आपकी तुलाई हो गई अभी नहीं? अभी नहीं हुई जी। वो कितने क्विंटल हो गई आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे हो गई लगभग 700-800 क्विंटल जी। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, मैसेज आया अभी? अभी नहीं आया जी। तो कहाँ का आएगा और कहाँ आपको नजदीक पड़ता है? अब हमारे यहाँ तो बरकोटी के हैं, तो बरकोटी यहीं आएगा वे लगभग। दो तीन मौजा में खेती है अपनी, तो जहाँ भी आ जाए हैं तो लेट आने से अभी कोई समस्या है या नहीं? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है।